कलर्स का शो कृष्णदासी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, जहां इस सीरियल की यूनिक स्टोरी लाइन सबको बहुत अच्छी लगी है। वेल, सबसे शॉकिंग न्यूज तो ये होती है जब हमें पता चलता है कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स इस शो को छोड़कर जा रहे हैं। कुछ महीने पहले न्यूज आई थी कि छवि मित्तल, जिन्होंने तुलसी का रोल प्ले किया था, वो ये शो छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो अपने रोल से खुश नहीं थी। और अब शो की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कुमुदिनी, जो इंदिरा कृष्णन का रोल प्ले करती है, सीरियल कृष्णदासी को क्विट करेगी। जी हाँ, आपकी चहेती इंदिरा अब शो पर नहीं दिखेंगी। वेल, उनके क्विट करने की असली वजह पता नहीं चली है, लेकिन उनका एग्जिट कंफर्म्ड है और हमें लगता है कि इस एंटरटेनिंग कैरेक्टर के जाने से शो की टीआरपी कम हो सकती है। इंदिरा को उनके रोल के लिए काफी अप्रिशिएट भी किया गया है, जहां उन्हें नाना पाटेकर ऑफ टेलीविजन भी कहा जाता है। उनको शो पर नानी बुलाया जाता है और उनके कलीग्स उन्हें नाना बुलाते हैं। वेल, सबको लगता है कि इस एक्ट्रेस की एक्टिंग, जेस्चर्स और डायलॉग डिलीवरी नाना पाटेकर की जैसी है, इसलिए उन्हें नाना के साथ कंपेयर किया जाता है। अब शो में इंदिरा एक बड़े सच का खुलासा करेगी। वो एक ऐसे सीक्रेट को रिवील करेगी जो उन्होंने बहुत सालों तक छुपाए रखा था। आबा साहेब जब आराध्या को शूट करेंगे, तब इंदिरा बताएगी कि आराध्या उनकी ग्रैंड डॉटर है। फिर आबा साहेब आराध्या को शुद्धिकरण करने को भी कहेंगे। ये सब देखकर तो लगता है कि शो में अब बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। एंड आई एम श्योर कि कुमुदिनी यानी इंदिरा के बिना तो ये ड्रामा देखने में मजा ही नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक्ट्रेस अपना माइंड चेंज कर दे और कृष्णदासी को छोड़कर न जाए। आपका क्या मानना है? क्या आप कुमुदिनी के फैन हैं? और उनके शो से चले जाने से आप पर क्या असर होगा? कमेंट करके अपने व्यूज हमसे शेयर करें। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।